नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। आज है 30 अक्टूबर 2019 और आज हम निकल रहे हैं रोहतक से सिक्किम के लिए। रोहतक हमें एक महीने की दिवाली की छुट्टियां मनाने आए थे और अब हमें वापस जाके मुझे विकास को जॉब ज्वाइन करना है। तो रूम की जो यादें हैं उनको आंखों में बसाते हुए, दिल में बसाते हुए बस हम निकल रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और इस रूम को मैंने बहुत ही दिल से सजाया। ये जो सारे फ़ोटो फ्रेम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, यादें हैं, इन्हें हम साथ में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये ब्रेकेबल आइटम है। फिर टूट फूट हो जाएगी तो और ज़्यादा दिल दुखेगा, इसलिए इनको यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। और अब हम निकल चुके हैं, 7 बजे निकले हैं। 11 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली से, टर्मिनल 2 से गो एयर की जो फ़्लाइट है, और 11 बजे से चल के वो 1 बजे हमें पहुंचा देगी बागडोगरा। और बागडोगरा से आगे हम जाएंगे गैंगटॉक। गैंगटॉक के 4 घंटे लगेंगे। ये जो आप रोड पे देख रहे हो, ये हम रोहतक से दिल्ली जस्ट निकले हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी का कैंपस आता है। ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी स्पेशियस है और बहुत सारे कोर्सेज जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, तो इसको बाईपास करते हुए हम आगे निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 7 बजे हम निकल रहे हैं तो 9 बजे हम पहुँच जाएंगे, लेकिन कई बार ट्रैफिक जाम भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी पूरी सामान से भरी हुई है, ये हैंडबैग्स के लिए भी जगह नहीं बची तो यहाँ पे हमें रखना पड़ा। आते वक्त तो हमारा सामान काफ़ी कम था, लेकिन यहाँ से जाते वक्त बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है क्योंकि खाने पीने की और शॉपिंग की और विंटर की क्लॉथिंग्स की बहुत ज़्यादा भर गई है सामान। इनफैक्ट कुछ ऐसा सामान भी है जो हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं जो कि बाद में आएगा हमारा। तो बस ऐसे ही चल रहे हैं, आपको पूरा आज दिखाऊँगी रोहतक से निकलते हुए और दिल्ली पहुंचते हुए और फिर बागडोगरा और फिर गैंगटॉक। तो बने रहिए हमारे साथ ही। तो ये आप देख सकते हो कि अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के टर्मिनल 2, जहां से कि हमें गो एयर की फ़्लाइट लेनी है। और देख सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य है टर्मिनल 2 का, काफ़ी मेंटेन्ड है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, स्पेशली दिल्ली के जो एयरपोर्ट्स हैं, वो तो काफ़ी मेंटेन्ड हैं। और हम लोग लगभग यहाँ पर 10 बजे पहुँचे हैं। हमने जो अंदाज़ा लगाया था कि 9 या 9:30 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लेट हो गए क्योंकि बहादुरगढ़ के आसपास एक बड़ा व्हीकल ख़राब हो गया था, जिससे कि हमें रास्ता डाइवर्ट करके नजफ़गढ़ के थ्रू आना पड़ा और उस वजह से टाइम लग गया। और नजफ़गढ़ में एक सब्ज़ी मंडी लगती है जहाँ पे कि बहुत जाम होता है, और उस गहरे जाम में हम फंस गए थे। एनीवेज़ फाइनली हम पहुँच गए, अभी भी 1.25 घंटा है। तो हमने सब फटाफट बोर्डिंग पासेस लिए, सिक्योरिटी चेक कराया, और बोर्डिंग पासेस तो जाते ही मिल गए थे क्योंकि प्रायोरिटी बेसिस पे बोर्डिंग पासेस मिल जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी चेक में एक पंगा हो गया था। सिक्योरिटी चेक में हम लोग लेके जा रहे थे अपने साथ 5 किलो घी, और 5 किलो घी को उन्होंने बोला कि आप नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि वो एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो अगली बार आप भी घी लेके जाएं तो इस बात को ध्यान में रखना। उसके बाद हमने घी को वापस विपिन को दिया और वो रोहतक लेके गया है, वो बाद में ही आएगा, कोई आएगा ट्रेन से। तो उसके बाद फटाफट से हमने बोर्डिंग करी। ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें, तो हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था क्योंकि घर से जल्दी निकले तो नाश्ते की भूख नहीं थी, और फिर फ़्लाइट में ही जो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया था। तो यहाँ पे हम लोग लैंड हो चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट में। बागडोगरा एयरपोर्ट जो है एक सैन्य हवाई अड्डा है, इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफी वर्जित है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स मैनेज कर पाई हूँ। पूरी जो 2 घंटे की फ़्लाइट थी, इसमें विवान ने काफ़ी हंगामा मचा के रखा। हम सोच रहे थे कि विवान सो जाएगा, लेकिन विवान ने सोने का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, और स्पेशली उसके पापा थे साथ में, इसलिए ज़्यादा वो एक्साइटेड था। और उसके बाद बस हमने सीट बेल्ट से अपना लगेज कलेक्ट किया और फिर हम निकल पड़े लंच करने के लिए। पहले हम सिलीगुड़ी जाके लंच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बागडोगरा एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे
चाय के बागान हैं, बहुत हरियाली है, और एकदम से जो दिल्ली का जो दृश्य होता है और बागडोगरा का दृश्य आप कंपेयर करें तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे हवा एकदम से प्योर हो जाती है और हरी हरी ज़मीन हो जाती है और नीला नीला आसमान हो जाता है। दिल्ली में तो आजकल नीला तो नहीं, मटमैला सा आसमान होता है, तो आप देख सकते हो। और ये दृश्य देख के मुझे एक पुराना गाना याद आता है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के, उस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। और उसके बाद हम पहुंच गए सिलीगुड़ी में लंच करने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से भी तीनों में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था और सिर्फ फ्लाइट में ही हमने चाय ही पी थी और विवान ने थोड़ा बहुत केक खाया था। तो हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। ये सागर रेस्टोरेंट है सिलीगुड़ी में, जो सेवक रोड है उस पे ये रेस्टोरेंट पड़ता है और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। अगर आपका जाना हो तो आप जाएं और फटाफट से लंच करके हम लोग निकल गए सिक्किम के लिए। यहाँ से हमें लगने वाले हैं लगभग 4 घंटे, थोड़ा सा कम भी लग सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि अभी टूरिस्ट सीज़न नहीं है। तो जब टूरिस्ट सीज़न होता है तब आपको गैंगटॉक पहुंचने में 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा जाम होता है और रोड जो होता है वो बहुत सकरा होता है। तो ये जो रोड है ये सेवक रोड के दृश्य हैं। यहाँ पे देखो एकदम से जो प्लांटेशन है, जो ट्रीज़ हैं वो बदल गए हैं, लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, घने घने ट्रीज़ हैं, कि इतने घने हैं कि यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो भी नीचे तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस हम निकल चुके हैं यहाँ से और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे करके ऊपर हम चढ़ते चले जाएंगे। एक चीज़ जो हमारे साथ बहुत ही अच्छी हुई वो कि जैसे ही विवान गाड़ी में बैठा लंच के बाद तो इमीडिएटली सो गया। आप देख सकते हो कि विवान मेरी गोदी में सो गया है और विवान 2.5 घंटे सोया रहा। तो हमारा टोटल जो सफ़र था वो 4 घंटे का था, उसमें से 2.5 घंटे विवान सो गया। अगर जगता तो वो भी परेशान होता और हम भी बहुत परेशान हो जाते। तो ये जो ब्रिज है ये सिलीगुड़ी और जो पहाड़ी इलाका है उसको कनेक्ट करता है। अब यहाँ से जो है रोड एकदम नैरो हो जाएगा, इतना नैरो कि मतलब एक टाइम पे 2 गाड़ियां ही आ जा सकती हैं। और यहाँ से शुरू हो जाएगी रिवर तीस्ता। तीस्ता एक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है और यहाँ सिलीगुड़ी तक आती है, बहुत गहरी नदी है और इस रिवर के थ्रू ही हम पूरा सिक्किम पहुँचने वाले हैं। तो ऐसा होगा कि एक तरफ हमारी गाड़ी चल रही होगी और दूसरी तरफ वो रिवर होगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन काफ़ी सारे टूरिस्ट फिर भी यहाँ पर आते हैं। और तो बस अब हम निकलते हैं और हमें पहुँचते पहुँचते हो जाएगी काफ़ी डार्क। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं थोड़ी धीरे बात करूँगी क्योंकि अभी विवान सो रहा है और सुबह के अभी 5:45 का टाइम हो रहा है और हम लोग गैंगटॉक में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सर्दी है, काफ़ी कम टेम्परेचर है। आप पीछे देख सकते हो कि पूरी रात हमने ब्लोवर चलाया है और अभी भी मैं ब्लोवर के ही पास बैठी हूँ। अभी मुझे अपने कपड़े निकालने हैं इसलिए मैंने फुल स्लीव्स पहनी नहीं है। कल रात को ही हम आके पहुँचे, मतलब पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए थे। एंड उसके बाद पूरे दिन, क्योंकि रोहतक से 7 बजे निकले थे और 7:30 यहाँ पहुँचे हैं, तो पूरे दिन की थकान थी। बस आके हल्का फुल्का डिनर किया और फिर हम सो गए। सामान भी कोई खोला वगैरह कुछ नहीं है। तो आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, छुट्टी ली है मैंने। और आज मैं सारे जो रूम्स हैं विवान की अलमिरा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कपड़े हमारे साथ ही गए थे,
विवान की अलमीरा अरेंज करूँगी, अपनी खुद की अलमीरा अरेंज करूँगी, मम्मी अपना कर रही हैं, किचन हैफ अजार्ड होके पड़ी है, किचन इधर उधर पड़ी है, क्योंकि एक महीना आप घर में ना रहो तो कैसा हो जाता है घर। और विकास थे 10 दिन, तो विकास तो इतना ध्यान देते ही नहीं है, पता ही है आपको कि जेंट्स लोग नहीं देते हैं। तो सारा घर अरेंज करना है, उसके बाद जो हमारी मेड है वो भी 4 तारीख को आएगी, जो हमारी हाउस हेल्प है वो 4 को आने वाली है, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। तो 4 तारीख तक हमें खाना और साफ़ सफाई खुद ही मैनेज करना है, उसके बाद वो आके संभाल लेंगी। तो आज 31 अक्टूबर है, लास्ट डे है अक्टूबर का। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि जो आपको रोहतक से गैंगटॉक तक का पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अभी यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है, मैं थोड़ा सा आपको सनराइज़ की दिखा देती हूँ पिक्चर्स, एंड उसके बाद मैं अगले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि आज हमने क्या क्या किया। इसी नोट पे इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, तो अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी। बाय बाय।